हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था टुडे इज आवर वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स एन पार्ट वन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि एन पार्ट वन में कौन कौन चैप्टर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है तो चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर टू इलेक्ट्रोसटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इस दोनों चैप्टर में हम लोग चार्जेस को स्टडी करेंगे उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे पर वो चार्जेस रेस्ट में रहने वाले स्टैटिक चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि जिस तरह से क्लास 11 में हम लोग कानामेटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ते थे तो उसमें हम लोग कार को चलते देखते थे एक्सलरेट करते देखते थे स्पीड बढ़ता था तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ कार एक्सलरेट कर रही है ब्रेक लगाते थे तो रिटार्ड कर रही थी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग को दिखाई नहीं देती है। और यही प्रॉब्लम हो जाती है जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उस चीज को पढ़ना है समझना है तो इमेजिनेशन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना होगा एनी तो चैप्टर वन और चैप्टर टू में हम वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहने वाले हैं उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर थ्री से चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में हो जाने वाला तो व्हेन चार्जेस विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन तो उसके बिहेवियर के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर थ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी है चैप्टर फोर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर फाइव मैग्नेटिज्म ऑन मैटर चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन चैप्टर सेवन अल्टरनेटिंग करंट जब चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन में आ जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और इस चैप्टर्स में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं मूविंग चार्जेस के बारे में और चैप्टर एट में हम लोग एक्सिलेटेड चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जब चार्ज एक्सलोरेट करते हैं तो फिर वो एनर्जी भी लिबरेट करती है एनर्जी भी जनरेट करने लगती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग एक्सिलोरेटेड चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बेसिकली इस चैप्टर में एक्चुअली जब हम लोग ड्राई वेदर में स्वेटर खोलते हैं या सिंथेटिक क्लोथ्स जब भी खोलते हैं तो एक क्रैकल साउंड सुनाई देता है आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे चेयर पर जब भी बैठते हैं तो करंट टाइप लगता है आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे तो ये सब फेनोमेना जो डेली लाइफ में होती है वो सब के बारे में क्या उसका कारण है इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज ये आज का टॉपिक हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को प्रीवियस नॉलेज हल्का फुल्का होगा ही क्लास टेन में भी हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा जो चीज़ हम लोग जानते हैं उस पर चले जाते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज आप लोग को भी आसानी होगी समझने में टाइप्स ऑफ चार्जेस तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस वन इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज़ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अच्छा अगर हम लोग किसी बॉडी के बारे में बात करें तो इस बॉडी में चार्ज है या नहीं है हम लोग सब जान रहे हैं कि बॉडी में चार्ज तो ज़रूर होंगे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज और नेट चार्ज बॉडी पर कितने होने वाले हैं नेट चार्ज बॉडी पर ज़ीरो होने वाले ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं उस चीज़ को बस एक रिकेपचुलेट करवा दे रहे हैं आप लोग को और इस बॉडी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं तो नेट चार्ज जीरो हो गए अगर हम दो न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं सपोज दो न्यूट्रल बॉडी ले ली बॉडी का नाम दे देते बॉडी ए और बॉडी बी अब किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है सपोज करो ए और बी को अगर हमको चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मान लेते हैं पांच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए पांच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए ए से बी में तो जब पांच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए तो ए में डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई होगी और बी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जिसमें डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज तो हमारा ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे हमारा बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कोई भी बॉडी हमारे न्यूट्रल होता है लेकिन उस पर चार्ज होते ही जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं चार्ज कोई किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं मान लेते हैं ए से बी में अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किए तो ए में हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बी में हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सब कुछ हम लोग जान रहे हैं एक्चुअली ये सब टर्म सब आया कहाँ से हल्का सा हिस्ट्री हम लोग चलते हैं ग्रीस

वो टर्म आया ग्रीस में बेसिकली ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन सॉरी ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है एम्बर इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है एम्बर एम्बर तो जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म सबसे पहले पिक्चर में आया वो ग्रीस से ही आया इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग जब भी दो सब्सटेंस को रब करते हैं आप प्रैक्टिकली uh, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्राई हेयर मान लेते हैं ये ड्राई हेयर है सपोज और ये हमारा कॉम When कॉम इज rubbed over ड्राई हेयर द कॉम बिकम्स नेगेटिवली charged एंड ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली charged। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे अभी तुरंत डिस्कस हुआ कि जिसमें डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए ये हम लोग पता कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में इंस्ट्रूमेंट सब है हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके एनसीआरटी बुक में भी दिए हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स पिथ बॉल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट सबके मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा बॉडी चार्ज है या नहीं है फिलहाल अभी यहाँ पर चलते हैं टॉपिक पर तो ड्राई हेयर वेन कॉम इज़ रब्ड ऑवर ड्राई हेयर कॉम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज तो हो क्या रहा होगा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम कॉम में हैं वो टाइटली बॉन्डेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम में हैं वो टाइटली बॉन्डेड होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स ड्राई हेयर में हैं वो लूजली बॉन्डेड होंगे और इसी के कारण फ्रिक्शन के कारण ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट कर कॉम में ट्रांसफ़र हो जाता है हम लोग को बस इतना बताया गया कि कॉम नेगेटिवली चार्ज होता है एक्सपेरिमेंट के मदद से हम लोग पता कर लिए हैं अभी हम लोग को नॉलेज हो गया कि कॉम नेगेटिवली चार्ज हो गया हम लोग इस टर्म को खुद से ऐड कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम आर टाइटली बाउंडेड द इलेक्ट्रॉन्स इन ड्राई हेयर आर लूजली बाउंडेड एंड सो ड्यू टू फ्रिक्शन द टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्राई हेयर टू कॉम एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम द कॉम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड ड्यू टू डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ड्राई हेयर ड्राई हेयर बिकम्स पॉजिटिवली रिचार्ज तो यहाँ पर चार्ज किस तरह से अपीयर हो रहे हैं इस चीज़ को समझाया गया है इस पर आप लोग एक असाइनमेंट लिख लीजिए इसको खुद से बनाइएगा हम इसी तरह से दो अलग ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं वेन ग्लास रॉड इज रब्ड ओवर सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड बिकम्स ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड चार्जड एक्सप्लेन अब इसी बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि वेन कॉम इज रब्ड अवर ड्राई हेयर द इलेक्ट्रॉन्स इन ड्राई हेयर आर लूजली बॉन्डेड देन द कॉम एंड सो द टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्राई हेयर टू कॉम एंड ड्राई हेयर ड्यू टू डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द्राई हेयर बिकम पॉजिटिव रिचार्ज एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉम बिकम्स नेगेटिव रिचार्ज उसी बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर जिस्ट में ब्रीफ में बता देंगे बढ़ते हैं आगे तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पिथ बॉल एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये पिथ बॉल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था एक्चुअली पिथ बॉल हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं पिथबॉल को पिथ बॉल विथ का बना हुआ रहता और इसके चारों तरफ एल्युमिनियम कोटेड किए हुए रहता है एलुमिनियम कोटेड किए हुए रहते हैं इसको एक सिल्क थ्रेड के साथ लटकाया जाता है तो जब भी हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को लाते हैं तो पिथ बॉल वैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है और इसी के मदद से हम लोग बता सकते हैं बॉल के मदद से हम लोग बता सकते हैं लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट ईच अदर एट्रैक्ट ईच अदर लाइक चार्जेस प्लस प्लस दोनों में दुश्मनी हो जाएगी अलग अलग जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव अलग अलग नेगेटिव नेगेटिव अलग अलग और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को एट्रैक्ट करेगा पिथ बॉल के मदद मतलब से हम लोग बता सकते लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस एट्रैक्ट ईच अदर जो प्रॉपर्टी इस चीज को डिफ्रेंशियट करते हैं ऑफ काइंडी विच डिफरेंट्स दू कॉल्ड पोलैरिटी पोलैरिटी द चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी डेफिनेशन सब आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे कॉपी पे पोलैरिटी ऑफ चार्ज मीन्स द प्रॉपर्टी विच डिफरेंट्स दू कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज तो बेसिक हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ लिए यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए आप लोग भी जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में रिलेट uh, करने के लिए आप ग्रेविटेशनल फील्ड समझ सकते हैं जिस तरह से ग्रेविटी काम करती है उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मान लेते हैं यह हमारा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन ये रीजन है रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर इस रीजन में हम किसी भी बॉडी को रखेंगे और वो अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी हमारा चार्ज्ड है एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाई विच इट एक्सप्रिय एन इलेक्ट्रिक फोर्स वेन प्लेस्ड विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच इट एक्सप्रिय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेन प्लेस्ड विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं यहां पर आप एक और असाइनमेंट ले लीजिए डिफ्रेंसीट डिफरेंसीट बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज डिफ्रेंसीट बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास मास और इलेक्ट्रिक चार्ज को आपको डिफ्रेंस डिफ्रेंसी उसका लिखना है मास क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ऑब्वियसली दोनों स्कलर क्वान्टिटीज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी स्कलर होते हैं मास भी स्कलर होते हैं लेकिन क्या क्या डिफरेंस है जैसे मास एक डिफरेंस आपको बता देते मास स्पीड पर डिपेंड करता है पर डिपेंड करता है और वो वेलोसिटी लगभग कितना होना चाहिए वो वेलोसिटी लगभग लाइट के स्पीड के बराबर अगर होता है तो मास चेंज कर जाता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड चाहे कितना भी हो जाए इलेक्ट्रिक चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी बॉडी हमारा तो बॉडी में मास है लेकिन ये जरूरी नहीं कि बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज हो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज मीन नेट चार्ज के बारे में बात हो रही है नेट चार्ज हो ये जरूरी नहीं है लेकिन बॉडी अगर है तो उसमें मास होना जरूरी है इस तरह से आप लोग डिफरेंस लिख सकते हैं कुछ डिफरेंसेस आप लोग को लिखने हैं ये आपके असाइनमेंट होगा बढ़ते हैं आगे छोटा छोटा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर ये आप दूसरा असाइनमेंट ले लीजिए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में इसको आप लोग को डिफरेंस लिखना है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का डिफरेंस लिख करके रखिएगा नेक्स्ट क्लास में कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है आप उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग बढ़ते हैं आगे चार्जिंग जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी को चार्ज किया जा सकता है तो जैसा कि हम लोग डिस्कस अभी किए चार्जिंग किया जा सकता है बाई द प्रोसेस ऑफ रबिंग रब करके चार्ज किया जा सकता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जैसे ड्राई हेयर और कॉम को रब करके हम लोग ड्राई हेयर या कॉम को चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग तो ये डिस्कस हो चुकी है दूसरा प्रोसेस है कंडक्शन कंडक्शन के मदद मतलब से भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है किस तरह से मान लेते दो आइडेंटिकल बॉल्स ले लेते हैं दो आइडेंटिकल बॉल्स ले लेते हैं बॉल ए एंड बॉल बी मान लेते बॉल ए पर प्लस दस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बॉल बी पर नेट चार्ज जीरो है नेट चार्ज जीरो जब ए और बी को दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे जब कॉन्टैक्ट में आता है तो प्रोसेस कंडक्शन होगा कंडक्ट होगा चार्ज जब मिलाएंगे, तो जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद जब ए और बी को अलग किया गया तो बताइए किससे किस में चार्ज का ट्रांसफर होगा और कितना चार्ज होगा ट्रांसफर होने के बाद दोनों बॉडी पर कितना चार्ज होगा आप यहां पर वीडियो को पॉज कर लेंगे पॉज करके जवाब देंगे चलिए देखते हैं आपका जवाब आया नहीं आया तो जब हम ए और बी को कांटेक्ट में लाएँ तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा है अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए पर पॉजिटिव चार्ज है मींस इसमें डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और बी पर न्यूट्रल चार्ज है मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है अगर हम कंपेयर करें ए और बी में तो ए और बी में जब कंपेयर करेंगे तो ए में इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और बी में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे ए के कम्पेयर में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे वो B से A में ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि B में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है A में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है एक दूसरे के कंपेयर तो में तो B से A में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों पर चार्ज सेम ना हो जाए क्योंकि हम मैंने पहले ही कहा था दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं जब तक दोनों पर चार्ज सेम ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होंगे तो B से A में पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इसलिए माइनस फाइव ई दिखलाया गया पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे B से A में तो B पर प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा A में दस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज था पांच इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इसमें आया तो नेट चार्ज इस पर हो गया पांच इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज मतलब आफ्टर कंडक्शन ए पर भी पाँच इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आएगा बी पर भी पाँच इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्, चार्ज है, और चार्ज ट्रांसफर होंगे बी से ए में नेगेटिव फाइव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बी से ए में तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन कंडक्शन के मदद से अब हमारा जो न्यूट्रल था बॉडी बी वो अब चार्ज हो चुका है पांच इलेक्ट्रॉन्स तीसरा प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस है इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन इस प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग को एक नया टर्म अर्थिंग का नॉलेज होना चाहिए अर्थिंग क्या होता है अर्थिंग बहुत ही सिंपल है समझिए हमारे पास एक चार्ज बॉडी है नेगेटिव चार्ज बॉडी ले ली नेगेटिव चार्ज बॉडी ले ली इसको हम लोग एक वायर के मदद से अर्थ में जोड़ देते हैं अर्थ से जोड़ दी जैसे ही अर्थ जोड़ दिए अर्थ हमारा न्यूट्रल अर्थ हमेशा हमारा न्यूट्रल रहता है नेट चार्ज इस पर जीरो रहता है अर्थ के बारे में और ज्यादा जानकारी हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हल्का सा जानकारी अभी के लिए ले लीजिए अर्थिंग क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा क्योंकि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा बॉडी से अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा बॉडी से अर्थ में कब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए अर्थ का नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होने वाला है. तो जब तक कि इसका नेट चार्ज जीरो ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा बॉडी से अर्थ में तो यहाँ पर नेट चार्ज बॉडी पर क्या हो जाएगा न्यूट्रल नेट चार्ज हो जाएगा ज़ीरो दूसरा अगर हमारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है अगर बॉडी हमारा पॉजिटिवली चार्ज है उसको जब हम लोग अर्थड करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अर्थ से बॉडी में होगा कब तक होगा जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए और अर्थ का चार्ज कितना होता है अर्थ का चार्ज होता है जीरो मतलब जब तक इस पर ज़ीरो चार्ज ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए होता है अर्थिंग करने के बाद यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर चार्ज हो जाएंगे ज़ीरो बॉडी पर चार्ज हो जाएगा जीरो तो अर्थिंग में जब नेगेटिव चार्ज को अर्थिड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम बॉडी टू अर्थ होता है जब पॉजिटिव चार्ज को अर्थित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फ्रॉम अर्थ टू बॉडी होता है इस बात को ध्यान में रखिएगा अब वापस से चलते हैं इंडक्शन में इंडक्शन तो में हम लोग दो बॉडी लेते हैं इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास दो बॉडी बॉडी ए बॉडी बी एक बॉडी हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ले, ले। जब ए और बी को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे ड्यू टू इंडक्शन यहां पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे फ्रंट साइड में और ड्यू टू अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे और ड्यू टू रिपल्सन नेगेटिव चार्ज रियर साइड में कनेक्ट हो जाए कलेक्ट हो जाएंगे अब रियर साइड को हम अर्थेड कर देते हैं रियर साइड को हम अर्थेड कर देते हैं जैसा कि अभी डिस्कस हुआ ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बंधा हुआ है अट्रैक्टेड है तो ये मूव नहीं करेगा ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में मूव कर, कर जाएगा अर्थ में चला जाएगा तो यहाँ पर ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ में चलेगा तो अब अर्थिंग को अगर हम लोग हटाएंगे बॉडी को नहीं हटाएंगे अभी अर्थिंग को हटाएंगे अर्थिंग को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जाएगा अब इस बॉडी को भी हटा देते हैं तो जब बॉडी को हटाएंगे तो ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमारे पास जो बॉडी बी था वो पॉजिटिवली चार्ज मिल गया तो थर्ड और लास्ट प्रोसेस था इंडक्शन जिसमें हम लोगों ने देखा कि विदाउट एनी कांटेक्ट हमारा बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया यहाँ पर आप लोग को एक और असाइनमेंट दिया जा रहा है आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा हाउ कैन वी गेट ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बाय इंडक्सन इंडक्सन प्रोसेस से किस तरह से नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग को मिलेगा इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है फिगर में एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं फिगर में एक्सप्लेन कीजिएगा ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगी आपको ये असाइनमेंट हो गया ये असाइनमेंट आप कीजिएगा अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट तो हमारे पास इंडक्शन प्रोसेस भी हो गया ये लास्ट टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग आज जैसा जा, कि स्टार्टिंग में बताया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस होगी बेसिक प्रॉपर्टीज तो पहला जो बेसिक प्रॉपर्टीज है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड वेक्टर मेथड से हम लोग ऐड नहीं करते हैं बहुत ही सिंपल है पाँच कुलम और दो कुलम को ऐड करना होगा तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं सेवन कुलम या पाँच कुलम और दो कुलम को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं थ्री कुलम दिस इज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज तो पहला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व चार्ज इज कंजर्व अब एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेते हैं सपोज एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कि अभी हम लोग बात किए दो बॉडी ले, ले लेते हैं बॉडी ए और बॉडी बी जो एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर दस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज था इस पर और इस पर ज़ीरो चार्ज था नेट चार्ज इस पर ज़ीरो था ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया इसमें कोई दूसरा चार्ज नहीं आ सकता तो ए प्लस बी अगर दोनों चार्ज को हम जोड़ दें तो हमारे पास कितने चार्ज मिलते हैं दस इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज अब बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में लाते हैं बॉडी ए और बॉडी बी को कांटेक्ट में लाते हैं और फिर दोनों को अलग करते हैं तो हमने देखा था कि ए पर भी पाँच इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया था बी पर भी पाँच इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर से जो आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा ए और बी अगर नेट चार्ज इसमें देखें तो ए प्लस बी नेट चार्ज आया दस इलेक्ट्रॉन मीन्स कंडक्शन के पहले और कंडक्शन के बाद जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो दस इलेक्ट्रॉन का ही है पॉजिटिव चार्ज है दस इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन के बाद भी पॉजिटिव चार्ज दस इलेक्ट्रॉन का ही है तो जो नेट चार्ज है वो हमारा कंजर्व इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रबिंग में भी ग्लास रॉड और सिल्क को जब भी हम लोग रब करेंगे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास रॉड ड्राई हेयर का एग्जांपल लेते हैं ग्लास रॉड का तो आप लोग को दिया गया असाइनमेंट ड्राई हेयर और कॉम का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ये हमारा आइसोलेटेड ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग जान रहे कॉम हमारा न्यूट्रल है ड्राई हेयर भी न्यूट्रल है तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो जाने वाला है ज़ीरो अब मान लेते हैं जब हम लोग रब करते हैं ड्राई हेयर और कॉम को तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स टूट करके कॉम में जाएगी हम लोग डिस्कस कर चुके थे मान लेते हैं दस इलेक्ट्रॉन्स टूट करके ड्राई हेयर से कॉम में गए तो दस इलेक्ट्रॉन्स टूट करके गए तो कॉम में माइनस टेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा और ड्राई हेयर में प्लस टेन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा तो जो नेट चार्ज है सिस्टम पर अगेन वो कितने हो जाने वाले हैं प्लस टेन इलेक्ट्रॉन माइनस टेन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स जीरो फिर से नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो रबिंग प्रोसेस में कंडक्शन प्रोसेस में इंडक्शन प्रोसेस में आप कोई भी प्रोसेस अगर देखिएगा तो नेट चार्ज सिस्टम हम हमेशा याद रखेगा सिस्टम नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ज़ीरो अगर आप सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं इंडक्शन प्रोसेस जैसा कि हम बोले थे तो उसमें सिस्टम में आपका अर्थ भी आएगा तो उसको भी ध्यान में रखिएगा चार्ज आपका हमेशा कंजर्व रहने वाला तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।, चार्ज समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेते हैं दो चीज का पोटेटोज एंड चेयर इफ़ यू गो टू मार्केट टू बाय सम पोटेटोज़ यू कैन ईजिली बाय एज वन के जी टू के जी टू एंड हाफ़ के जी अगर आप चेयर खरीदने के लिए जाएँ तो आपको या तो एक चेयर खरीदने होंगे या तो दो चेयर खरीदने होंगे ढाई चेयर खरीदने होंगे ढाई चेयर, चेयर आप नहीं ख़रीद सकते यहाँ पर चेयर जब भी आप ख़रीदिएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं पोटेटोज आप कंटिन्यूस अमाउंट में भी खरीद सकते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल अब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इसको किस तरह से लिखा जा सकता है क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एन ई जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल अभी देखा गया या तो दस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो पाँच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या तो तीन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होंगे लेकिन साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे तो यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई को क्या बोला जा सकता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वैसे तो क्वार्क्स भी होते हैं क्वार्क्स प्लस माइनस टू बाई थ्री ई प्लस माइनस वन बाय थ्री ई अप क्वार्क प्लस वाले को बोला जाता है डाउन क्वार्क माइनस वाले को बोला जाता है। ये सब चीज़ अभी डिस्कस करने की नहीं है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोग को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का वैल्यू या प्रोटॉन का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को ये याद भी रहना चाहिए यार क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चलते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q equals to plus minus any चार्ज जब भी ट्रांसफर होंगे Q equals to plus minus any इतना ही वैल्यू होगा इस पर आप एक क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट होगा Q equals to ne तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अगर क्यू का वैल्यू वन कुलम ई e का वैल्यू आपको पता है तो एन का वैल्यू कितना होगा ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई एक क्वेश्चन आपसे एन सी आर टी का एन सी आर टी का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन पॉइंट टू एंड एग्जाम्पल वन पॉइंट थ्री पेज नंबर टेन बेसिक आपको बताया गया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है बेसिक प्रॉपर्टीज़ में तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है एडिटिव नेचर ऑफ़ चार्ज चार्ज इज़ कंजर्व एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसमें कोई भी डाउट्स हो, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके डाउट्स हुए तो नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कोलम्स लॉ आप लोग भी हल्का फुल्का पढ़ करके रखिएगा कोलम्स लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलम्स लॉ डिस्कस करेंगे ओके स्टे सेफ स्टे एट होम